अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का जो चैप्टर हमने पढ़ा था इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया, उसी के आगे को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो हमने मल्टीमीडिया से हमें कंप्लीट करना था, वी यूज डिफरेंट मीडियम्स टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विथ अदर्स। मतलब हम अलग अलग तरीके का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कनेक्शंस और इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए। दीज मीडियम्स कैन बी टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर्स, एनिमेशन और वीडियो। ये जो चीज़ें हो सकती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे लिखा हुआ हो सकता है टेक्स्ट के रूप में, साउंड के रूप में, आवाज़ के, पिक्चर्स के रूप में, एनिमेशन, वीडियोस के रूप में, किसी भी तरीके से हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। मल्टीमीडिया मींस मेकिंग यूज़ ऑफ मैनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेट, एक दूसरे से आपस में कनेक्शन बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है। मल्टीमीडिया इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मोर देन वन प्रेजेंटेशन मीडियम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर, एनिमेशन एंड वीडियोस। मल्टीमीडिया का मतलब होता है किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को गेन करना, मतलब इंफॉर्मेशन को लेना, ठीक है। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें पिक्चर चाहिए एप्पल की, तो हम एप्पल की पिक्चर सर्च करेंगे गूगल से तो हमें पिक्चर के फॉर्म में मिलेगा, और अगर हम एप्पल के बारे में लिखते हैं तो हमें टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, और अगर हम एप्पल का वीडियो देखते हैं तो हमें वीडियो की तरह मिलता है, ठीक है। तो यही होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेना किसी भी अलग अलग तरीके से। मैनी पिक्चर्स हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग मल्टीमीडिया ओनली। मल्टीमीडिया इज़ बीइंग यूज्ड इन वेरियस फील्ड दीज डेज। मतलब मल्टीमीडिया को अलग अलग जगह में यूज़ किया जाता है, जैसे सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंजॉयबल सम ऑफ द फील्ड्स वेयर इट इज़ यूज्ड आर। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन में पढ़ाई के लिए सीडीज़ बनाई जाती है, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, सीडी रोम्स लेसन्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे आप भी मल्टीमीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड है हमसे। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए गेम्स, मूवी, म्यूजिक, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग, फैशन इंटीरियर्स, मतलब डिज़ाइंस, कपड़े डिज़ाइंस करने के लिए, घर डिज़ाइन करने के लिए। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस मे बी व्यूड बाय अ पर्सन ऑन स्टेज, प्रोजेक्ट ट्रांसमिटेड और प्लेड लोकली विद अ मीडिया प्लेयर। मतलब मल्टीमीडिया को हम किसी भी तरीके से प्ले कर सकते हैं, वीडियोस भी चला सकते हैं, साउंड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर नीड सम स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड पार्ट्स टू मेक मल्टीमीडिया वर्क ऑन इट। मतलब साउंड्स और वीडियोस बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे हमें वीडियो बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्डर की ज़रूरत होती है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर की ज़रूरत होती है, ठीक है। पिक्चर्स लेने के लिए हमें कैमरा की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से मल्टीमीडिया का यूज़ करने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरनेट मींस कनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विद ईच सॉरी इंटरनेट मींस कनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विद ईच अदर। मतलब इंटरनेट का मतलब होता है आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ना, ठीक है। दो कंप्यूटर्स या तीन कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को बोला जाता है इंटरनेट। मल्टीमीडिया मींस मेकिंग यूज ऑफ मैनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपस में कम्युनिकेट करने के अलग अलग तरीके को यूज़ करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है। वी कैन शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड मैसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वीडियोस, प्रोग्राम्स, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट की हेल्प से। देयर आर नो बाउंड्रीज एंड बैरियर्स फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, इंटरनेट पूरा एक भंडार है, वो तो ज्ञान का एक समुद्र है। द इंटरनेट इज़ अ ह्यूज ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। मतलब इंटरनेट जो है वो तो पूरा ज्ञान का भंडार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टिक राइट एंड राइट द करेक्ट आंसर। राइट टिक करना है करेक्ट आंसर के साथ। अ मेल सेंड थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड एन ईमेल। जो हम मेल सेंड करते हैं इंटरनेट की हेल्प से, उसे ईमेल बोला जाता है। टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड, जो जब दो कंप्यूटर एक साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो उसे बोला जाता है नेटवर्क।
द इंटरनेट इज वाइडली यूज इन बैंक्स, एयरलाइंस, होटल्स, रेलवेज एंड इन मैनी अदर ऑफिसेस. मतलब इंटरनेट का यूज़ हम हर जगह करते हैं, लगभग सारी जगह में हम करते हैं. द वर्ड इंटरनेट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. इंटरनेट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर एंड नेट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट क्या है? कनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विद ईच अदर. मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जब कनेक्टेड होते हैं उसे बोला जाता है, जिस मोड से कनेक्टेड होते हैं उसे बोला जाता है इंटरनेट. व्हाट इज मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया क्या होता है? मीन्स मेकिंग यूज ऑफ मैनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब आपस में कनेक्शन के अलग अलग तरीके को यूज करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है. मेंशन एनी फोर एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया. चार जगह का नाम बताना जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज होता है. एजुकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिजाइनिंग. नेक्स्ट है मेंशन एनी फोर यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की चार यूज बताना है. सर्चिंग, सबसे पहले तो हम सर्च के लिए यूज करते हैं. पेमेंट्स, फॉर पेमेंट के लिए. टू गेट इंफॉर्मेशन एंड मतलब हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूज करते हैं. एंड टू बी इन टच विद अवर रिलेटिव्स. मतलब हम अपने रिलेटिव से आपस में जुड़े रहे, इसीलिए भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एन ईमेल. ईमेल का क्या मतलब होता है? अ मेल सेंड थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ईमेल. जो मेल हम सेंड करते हैं इंटरनेट की हेल्प से उसी को बोला जाता है ईमेल. ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू.